वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज से हमने वोकैबुलरी सेक्शन के अंतर्गत इडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू किया है। रोज हम 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस समझेंगे। आज का पहला है मेडन नेम। मेडन नेम की हिंदी है विवाह से पहले का नाम। दूसरा मैन इन द स्ट्रीट, साधारण आदमी। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, अनुचित रूप से। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नजर। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, एक तरह के लोग। ये 5 हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जिसे हमें समझना है अच्छा से। आज मेडन नेम क्या होता है? किसी लड़की का नाम अगर होता है शादी से पहले ए, तो शादी के बाद उसके पति के का सरनेम जुड़ जाता है उसके नाम के साथ। तो जो शादी के पहले का नाम होता है उसे कहते हैं, विवाह से पहले का नाम उसे कहते हैं मेडन नेम। मिसेस शर्मास मेडन नेम वॉज मिस कोमल। मिस कोमल लड़की थी शादी से पहले, और मिस कोमल की शादी हुई किसी सो एंड सो शर्मा से शादी हो गई, तो जो पति इनके शर्मा थे इस कारण से मिस कोमल का नाम हो गया मिसेस कोमल शर्मा। तो मेडन नेम क्या कहेंगे? मेडन नेम कहेंगे जो विवाह से पहले का नाम था वह कहेंगे कोमल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मेडन नेम मतलब विवाह से पहले का नाम। दूसरा है मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट, आप जानते हैं गलियों में कौन भटकता है, एक साधारण सा आदमी भटकता है। तो उसी तरह से हिंदी भी देख लेते हैं, हिंदी है इसका साधारण आदमी, मैन इन द स्ट्रीट। सेंटेंस होगा वेयर लर्नड पीपल लुक लाइक अ मैन इन द स्ट्रीट। वेयर लर्नड पीपल मतलब विद्वान लोग लुक लाइक दिखते हैं, लोग दिखते हैं लाइक अ मैन इन द स्ट्रीट, एक साधारण आदमी के जैसा। विद्वान लोग एक साधारण आदमी के जैसा दिखते हैं। तो पहला हो गया मेडन नेम, दूसरा हो गया मैन इन द स्ट्रीट, तीसरा है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। हिंदी है इसकी अनुचित रूप से। ध्यान रखेंगे बैक स्टेयर्स है, आप इसमें स्टेयर नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जो दिया हुआ है ना मेडन नेम, तो मेडन नेम ही रहेगा कहीं भी। और मैन इन द स्ट्रीट है तो मैन इन द स्ट्रीट ही रहेगा, मैन इन द स्ट्रीट मत कर दीजिएगा, अच्छा है स्ट्रीट्स मत कर दीजिएगा, जो दिया है वैसे ही करिएगा। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुचित रूप से। आप देखते हैं कि आपने अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, मान लीजिए कि किसी कंपनी में मैनेजर का पोस्ट खाली है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है और आप ए हैं, और किसी बी ने भी अप्लाई किया है, योग्यता आप में अधिक है बी की कम है, लेकिन सडनली आपको पता चलता है कि बी का जॉब हो गया है, तो बी क्या किया, जुगाड़ लगाकर जॉब कर लिया आपने, उसने घूस दिया होगा, पैरवी लगाई होगी, जो भी कारण होगा, लेकिन वह योग्यता में आपसे कम था। तो इसको बोलेंगे जो जुगाड़ लगाया उसने, उसे कहेंगे अनुचित रूप से उसने जॉब प्राप्त किया है, बोलेंगे कि बी ने बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस की सहायता से जॉब लिया है। सेंटेंस में देखिए ही वॉज सिलेक्टेड, उसकी नियुक्ति कर दी गई थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, अनुचित रूप से उसकी नियुक्ति अनुचित रूप से कर दी गई। नाउ बर्ड्स आई व्यू देखते हैं। बर्ड्स आई व्यू की हिंदी है सरसरी नजर। सरसरी नजर दो तरह से होती है, एक जब बुक स्टॉल पे आप जाते हैं, बुक स्टॉल पे आप गए, वहां पे कोई बुक दिख रहे हैं, तो पेजेज उलट कर जो आप देखते हैं उसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर है, क्या है, कैसा बुक है, उतने देर में उस बुक को आंकने के लिए जो आपने किया उसे कहते हैं कि सरसरी नजर से आपने बुक को देखा, एक तो हो गया। दूसरा जब फ्लड या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो डिग्निटरी जो होते हैं राज्य के, देश के, वो ऊपर से जायजा लेते हैं, आसमान से हेलीकॉप्टर की सहायता से जायजा लेते हैं कितना नुकसान हुआ है। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखना, नीचे का आकलन करना, चाहे जब आप एरोप्लेन में होते हैं जो नीचे का दिखता है सीन, वह सब भी कहलाता है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स कहाँ होते हैं? बर्ड्स तो आसमान में होते हैं, तो बर्ड्स को जिस तरह से दिखता है वैसा हमें कब दिखेगा, जब हम ऊपर रहेंगे तब। तो दो हो गया, सरसरी नजर वाला एक बुक स्टॉल की बात भी रहेगी, और दूसरा आसमान से जब हेलीकॉप्टर या प्लेन से कुछ देखते हैं नीचे तो उसे भी कहते हैं। द सीएम हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ छपरा फ्रॉम द प्लेन।
सीएम ने बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी नजरों से देखा छपरा को फ्रॉम द प्लेन प्लेन से। नाउ द लास्ट वन इज बर्ड्स ऑफ ए फेदर, इसको पढ़ते हैं फेदर, फेदर मतलब पंख, बर्ड्स ऑफ ए फेदर, और इसकी हिंदी है एक तरह के लोग। होता क्या है, आपने आसमान में देखा होगा कि बहुत से एक तरह के पंछी बिल्कुल लाइन में गुजरते हैं, जाते हैं, ये आपने देखा है। तो एक फेदर वाले पक्षी होते हैं जो गुजरते हैं, बर्ड्स ऑफ ए फेदर मतलब एक तरह के लोग। अब वैसे ही बर्ड्स ऑफ ए फेदर से सेंटेंस जो बनाया हमने, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक मतलब उड़ना चलना घूमना जाना आना कुछ भी, फ्लॉक मतलब ऐसे पक्षी के क्रम में उड़ना ही होता है। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब एक तरह के लोग एक साथ ही मूव करते हैं, यह एक एक्चुअली मुहावरा है, चोर चोर मौसेरे भाई, दूसरा भी मुहावरा है चोर के साथ गिरह कट, गिरह काटने वाला, ताला तोड़ने वाला समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, काट कुट करने वाला होगा जो जो हेल्प करेगा। तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी पांच idioms phrases देखे। एक तो maiden name, विवाह से पहले का जो नाम किसी लड़की का होता है उसे maiden name कहते हैं। man in the street मतलब साधारण आदमी, जो साधारण आदमी होते हैं उन्हें कहते हैं, बट सेंटेंस तो उसका बहुत ही स्टैंडर्ड लिख दिया है। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कि अनुचित रूप से किसी की नियुक्ति होती है, तो एग्जाम्पल में जो दिया वैसा अनुचित रूप से हिंदी है इसका। बर्ड्स आई व्यू दो पॉइंट समझाए इसमें, एक बुक को पढ़ने की पॉइंट और एक ऊपर से देखने की पॉइंट, जिस तरह से बर्ड्स देखते हैं, और तीसरा बर्ड्स ऑफ ए फेदर एक तरह के लोग, और सेंटेंस देख लिया। तो इसमें इतना, फिर आगे कल 6 से लेकर 10 तक का हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।